hello student my name is anuj sindh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept today we are going to discuss the new topic of the chapter motion in a straight line and that topic is speed velocity and acceleration before going to next class recall the previous one in previous lectures we discussed about distance and displacement after that differentiation and integration and solve some numericals or problem based on it आई होप कि आपने वो सारे नूमेरिकल्स इंटीग्रेशन के ऊपर और डिफ्रेंशिएशन के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आपने सोल्व कर लिए होंगे तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर आप बात करते हैं तो इस वीडियो को आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए तो जैसे ही ये लेक्चर को टिल एंड तक आपने ज़रूर देखना है और लास्ट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है आप वहाँ जाके मुझे कॉल कर सकते हो मैसेज कर सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोस हुई हैं उनके लिंक शेयर किए हुए हैं तो अगर आपको किसी भी लेक्चर को देखना है तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके उस लेक्चर को देख सकते हो ठीक है तो आ जाते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर स्पीड वेलोसिटी और एक्सलेशन और इनके बारे में आपने नाइन्थ क्लास के अंदर ऑलरेडी uh, किया हुआ है कुछ बेसिक सा किया हुआ है कुछ नई बातें आज मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो बेसिक्स टू आगे की तरफ चलेंगे और इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल मैं सोल्व करूंगा ठीक है तो एक एक चीज़ को ध्यान से समय जाना ठीक है हाँ जी तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की तो स्पीड क्या चीज़ होती है स्पीड इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम तो डिस्टेंस बाय क्या होता है टाइम मैं तीनों तो को कंपेयर करता जाऊंगा स्पीड वेलोसिटी और एक्सलेशन को स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम वाइल वेलोसिटी क्या होती है velocity होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी क्या चीज होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ठीक है स्पीड डिस्टेंस दोनों के अंदर ये डिफरेंस है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम वाइल्डीज और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ठीक है और एक्सलेशन क्या होता है एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन विलोसिटी बाय टाइम चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर साथ साथ कंपेयर करता जाऊंगा स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ठीक है जब भी विलॉसिटी के अंदर चेंज आता है चाहे विलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तब क्या होगा एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए के साथ ठीक है हाँ जी यहीं से इसका ऐसा यूनिट बनाओ इसके फॉर्मूला से ऐसा यूनिट क्या बनेगा डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं मीटर के अंदर और टाइम को सेकंड में तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट बनाओ तो क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस ही एक टाइप का है ना लेंथ है एक टाइप की तो उसको भी मेजर करेंगे मीटर के अंदर और टाइम को सेकंड में तो इसका भी बन गया मीटर पर सेकेंड अब आते हैं यहां पर एक्सलेशन का तो एक्सलेशन का ऐसा यूनिट क्या बनेगा वेलोसिटी वेलोसिटी बाय टाइम विलोस्टी का क्या था मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड और अपॉन में टाइम ऑलरेडी है तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और आप बोल सकते हो मीटर सेकेंड स्केयर इनवर्स मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स ठीक है सीजीएस यूनिट क्या बनेगा मीटर का सेंटीमीटर और टाइम का तो हमेशा सेकेंड ही रहता है इसका भी सीजीएस यूनिट क्या बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसका सीजीएस यूनिट क्या बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक है डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मुला इसका क्या बनेगा हाँ जी स्पीड का क्या होता है मास का तो कोई रोल है ही नहीं का एम जीरो एल वन टी माइनस वन तो इसके भी डायमेंशन क्या बनेंगे एम जीरो एल वन टी माइनस वन और इसके डायमेंशन क्या बनेंगे एम जीरो एल वन टी माइनस टू ठीक है अब बात करते हैं क्वांटिटी की तो स्पीड क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस से बनी है डिस्टेंस क्या था एक स्केलर क्वांटिटी मैं फिर से रिपीट कर दूं इस चीज को स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं आज गर्मी बहुत है ठीक तो, है तो स्पीड क्या होता है स्पीड एक स्केलर क्वांटी है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है ठीक है तो इसलिए बोला जाता है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटी इट इज अ स्केलर क्वांटी ठीक है स्केलर क्वांटिटी और डिस वाइल जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटी होती है उसके बाद मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो so, डिस्प्लेसमेंट से जो चीज़ बनेगी विलोस्टी इज़ ऑल्सो वैक्टर क्वान्टी ठीक है तो ये कौन सी क्वानिटी बन गई विलोस्टी वैक्टर क्वान्टी साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना ठीक है बढ़िया नोट्स प्रिपेयर करना सेल्फ जो नोट्स होते हैं वही सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं ठीक है कोई भी टीचर आपको प्रोवाइड करता है या आप कहीं से भी लेते हो नोट्स वो पढ़ने में ज़रूर अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक जो आप खुद अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बनाओगे ना चीज़ों को समझोगे नोट्स बनाओगे वो सबसे बेस्ट होते हैं ठीक है और वो कभी भूलेंगे भी नहीं ये, ये श्योरिटी है हाँ जी इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन बना विलोस्टी से तो विलोस्टी कौन सी क्वांटिटी थी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ये तो इनकी जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन थी स्पीड विलोस्टी और एक्सेलरेशन के बारे में इनके ऐसे यूनिट इनके डायमेंशन इनकी क्वांटिटीज कौन सी है, स्केलर हैं या वैक्टर हैं ठीक है अब थोड़ी थोड़ी आगे आ, करते हैं प्लीज यहां तक राइट कर लीजिए हाँ जी स्क्रीन शॉट ले लेना बेटे ठीक है फिर आगे करते हैं रेज कर रहा हूं मैं ये हाँ जी अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकी टाइप्स के ऊपर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म ऐसे जो भी बात करोगे आप यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म का एक और नाम भी होता है जिसको बोला जाता है वेरिएबल जो चीज वेरी करती रहे वेरिएबल वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है ऐसी वेरिएबल विलोस्टी बोल दो या फिर नॉन यूनिफॉर्म विलोस्टी बोल दो ऐसी वेरिएबल एक्सोलेशन भी आप बोल सकते हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सोलेशन थर्ड थिंग यहां पर बात करेंगे एवरेज एवरेज स्पीड देखो जो टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं ना सेम इनके लिए भी है एवरेज विलोस्टी एवरेज एक्सलेशन ठीक है एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसके लिए बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हाँ जी वन बाय वन मैं ओरली क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आपने की हुई हैं तो इनके ऊपर ज्यादा मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा ठीक है ओरली आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ आप अपने नोट्स के अंदर राइट कर सकते हो आप ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोला जाता है कांस्टेंट स्पीड जैसे कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है तो वो कंटिन्यूसली 40 की स्पीड से चलती जाए ना तो उसकी स्पीड 39 हो ना ही उसकी स्पीड 41 हो तो इस टाइप की जो स्पीड होती है उसको बोला जाता है कांस्टेंट स्पीड और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है तो क्या लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन वेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन मतलब अगर एक सेकंड के अंदर गाड़ी चल रही है एक किलोमीटर जाती है वैसे तो जाएगी नहीं एक सेकंड में एक किलोमीटर मान लेते हैं वो मेरे वाली गाड़ी है ठीक है जा सकती है वो तो नेक्स्ट एक सेकंड में फिर से वो एक किलोमीटर गई नेक्स्ट है फिर वो सेकंड में फिर... तो अब क्या हो रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम के अंदर तो इसका मतलब क्या है मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है यूनिफॉर्म है ठीक है अच्छा अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा वेन एन ऑब्जेक्ट कवर अन एकवल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवेल ऑफ टाइम फिर से नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है वैन एन ऑब्जेक्ट कवर अन एकवल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवेल ऑफ टाइम जैसे गाड़ी मार्केट के अंदर चलती है बाजार के अंदर वैसे तो आजकल अलाव नहीं है मार्केट के अंदर फिर भी सपोज कर लो बाइक है मेरे पास बुलेट मूव कर रही है मार्केट के अंदर ठीक है तो अब मार्केट के अंदर क्या होता है कभी स्पीड इंक्रीज होती है कभी स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है तो जब स्पीड इंक्रीज मान लो फर्स्ट सेकंड के अंदर तो वो कितनी गई हंड्रेड मीटर गई नेक्स्ट वन सेकेंड के अंदर क्राउड आ गया तो फिफ्टी मीटर ही जा पाई नेक्स्ट वन सेकेंड में वो अब कोई नहीं आ गई तो टू हंड्रेड मीटर चलेगी बुलेट ठीक है तो इस केस में क्या हुआ टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस क्या हो रहा है अनइक्वल हो रहा है कभी स्पीड इंक्रीज कभी डिक्रीज तो इस टाइप की स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड ठीक है क्लियर है यहां तक चले नेक्स्ट आओ फिर अब आते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर जो इन तीनों के अंदर अब तक की इंपॉर्टेंट है ये तो ऑलरेडी आपने करी हुई है ठीक है एवरेज स्पीड के ऊपर आप बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है एवरेज ठीक है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल टाइम लेकिन अब यहां पर एक चीज समझ लेना बेटे ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूं ठीक है यहां पर एक दो बातें समझना क्योंकि इस वीडियो के एंड के अंदर जो मैंने न्यूमेरिकल दी है वो मैंने एवरेज स्पीड के ऊपर दिया तो इस टॉपिक को यहां पर समझना बहुत जरूरी है थोड़ी सी कंसंट्रेशन करना इधर हेलो इधर कंसेंट्रेशन एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अगर आप इफ द टोटल डिस्टेंस डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट टू इक्वल पार्ट टोटल डिस्टेंस मीन क्या हुआ कि अगर सपोज 100 किलोमीटर है डिस्टेंस कवर किया मैंने मैं बोलता हूं कि फर्स्ट 50 किलोमीटर तो मेरी स्पीड कितनी है V1 है नेक्स्ट 50 किलोमीटर मेरी स्पीड कितनी है V2 है देखो मैंने क्या किया टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बोला 50 किलोमीटर तो मेरी टोटल मान लो 100 किलोमीटर था डिस्टेंस मैं बोलता हूं फिफ्टी किलोमीटर जो मेरी बुलेट की स्पीड है वो वी वन है हाँ श्रेय कही तो जिनको पता है वी की स्पीड कितनी है सॉरी oh, नेक्स्ट 50 किलोमीटर के स्पीड तो कितनी है वी टू है तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना ठीक है आपको ये वाला टोटल डिस्टेंस वगैरह इनके चक्कर में मत पढ़ना आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू हां जी कर लिया राइट अब आते सेकेंड पॉइंट के ऊपर इसी के अंदर अगर आपने टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया तो यह फॉर्मूला ठीक है इफ द टोटल टाइम डिवाइड इनटू टू पार्ट टोटल टाइम डिवाइड इनटू टू पार्ट जैसे मैं बोलूं कि इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी तक जाने में मुझे वन आर लग रहा है वन आर लगता है तो मैं बोलता हूं फर्स्ट थर्टी मिनट में मेरी स्पीड कितनी है वी वन है नेक्स्ट थर्टी मिनट में स्पीड कितनी है वी टू है मैंने अब क्या किया टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इस केस में आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे वी वन प्लस वी टू बाई टू ये फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट ठीक है तो नोट कर लो बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू और टोटल तो टाइम तो को डिवाइड करें तो वी वन प्लस वी टू बाई टू ठीक है राइट करो जल्दी फिर आगे आते हैं नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस के ऊपर हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस ये वर्ड शायद आपके लिए अगर आपने नाइन्थ में नहीं किया तो अब कीजिए इंस्टेंट इंस्टेंट वर्ड होता है किसी भी टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक पलक झपते ही है ना इतना स्मॉल टाइम के अंदर स्मॉल डिस्टेंस को चीज़ ट्रैवल करेगी देखो इतने कम टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो भी तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा और बहुत ज़्यादा स्मॉल को डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स से तो जिन्होंने डिफ्रेंशन वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने ये चीज बताई है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस स्मॉल डिस्टेंस के अंदर जो टाइम रहेगा वो भी क्या रहेगा बहुत कम होगा तो इसलिए उस टाइम को डी से रिप्रेजेंट करेंगे बहुत स्मॉल टाइम को एक इंस्टेंट के ऊपर मैं बोल दूँ इस इंस्टेंट के ऊपर गाड़ी की स्पीड कितनी है जैसे नौ बज के एक सेकेंड पर नौ बज के जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड पर गाड़ी की स्पीड कितनी है ठीक है तो मैंने एक क्या लिया टाइम का बहुत स्मॉल पार्ट लिया उस तो बहुत ज्यादा छोटे पार्ट के लिए इंस्टेंट वर्ड का यूज करें इंस्टेंटेनियस दैट इज डी टी ठीक है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बाय वेरी स्मॉल टाइम v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे चल के मैं सिर्फ इसी का ही हमेशा यूज करूंगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ध्यान रखना v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे ठीक है अब बात करते हैं यहां पर velocity के ऊपर, ठीक है? तो uniform velocity क्या होगी? When object cover, equal displacement. आपको क्या चेंज करना है यहां पर स्पीड में आप लिखते थे इक्वल डिस्टेंस तो यहां पर क्या लिखना है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिलोस्टी सेट टू बी यूनिफॉर्म विस्टी ठीक है एंड वेन

हाँ जी फोर्थ आता है इंस्टेंटेनियस तो इंस्टेंटेनियस विलोस्टी अब विलोस्टी इज अ वैक्टर क्वान्टी तो इंस्टेंटेनियस विलोस्टी को वैक्टर क्वांटी से रिप्रेजेंट करेंगे v इज इक्वल टू तो डी एक्स वैक्टर क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटी सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरोसाइन और वैक्टर्स क्या होते हैं ये आगे करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वैक्टर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है वैक्टर करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तो टेंशन मत लेना किसी भी बात की तो v वेक्टर इसको बोलेंगे क्या v वेक्टर इज़ इक्वल वी वैक्टर बाई डी टी ठीक है हाँ जी अब बात करते हैं आगे एक्सेलरेशन की ठीक है कर दूं रेज ठीक है तो एक्सेलरेशन आपने गाड़ी चलानी आती होगी आपको और गाड़ी के अंदर होते ना जिसके ऊपर आप आ, अपना फुट जो है प्रेस करते हो गाड़ी की स्पीड शू हो जाती बहुत तेज़ या फिर उठा देते हैं अपना पैर तो स्पीड कम हो जाती है, है ना तो उसको बोला जाता है एक्सलरेटर एक्सलरेटर जो विलोस्टी को चेंज कर दे है ना बहुत तेज़ कर दे गाड़ी को मज़ा बहुत आता है तेज़ भगाने में है ना लेकिन भगाना मत तो एक्सलरेटर प्रेस कर देते हैं तो एक्सलरे एक्सलरेटर का नाम एक्सलरेटर क्यों पड़ा क्योंकि वो क्या कर देता है एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर देता है विलोस्टी के अंदर क्या ले जाता है चेंज ले जाता है इसलिए उसको एक्सलरेटर बोलते हैं और मेरे भाई बंधु कई ऐसे होंगे जिनको आज पता चली होगी ये बात ठीक है तो हाँ जी आते हैं एक्सल्रेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है अकेला कभी मत बोलना विलोस्टी बाई टाइम एक्सलरेशन ऑलवेज चेंज इनोस्टी बाई टाइम क्या होता है एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इनोसटी चेंज इनो नॉट ओनली चेंज इन टीस्टेंट भी हो सकती है है ना? तो acceleration तो प्रोड्यूस होगी नहीं वहां पर मैं बोलूंगा velocity है 40 meter per second. अब क्या पता 40 कॉन्स्टेंट विलोस्टी है है ना तो इसके लिए कभी मत बोलना विलोस्टी बाय टाइम हमेशा बोलना चेंज इनोस्टी बाय टाइम ठीक है तो चेंज इनोस्टी मान लो पहले वी वन थी बाद में velocity. शुर बढ़ गई v2 टू हो गई तो कितना चेंज आया तो आप बोलोगे v2 टू माइनस वी तो पहले टाइम था t1, बाद में कितना हो गया t2 टू टाइम तो आप बोलोगे t2 टू टाइम टी टू माइनस टी मतलब क्या हुआ यहाँ पर विलोस्टी के अंदर क्या आ गया चेंज आ गया इसको बोलेंगे आप आपसे ठीक है अच्छा एवरेज एक्सलरेशन क्या होगा टोटल विलोस्टी बाय टोटल टाइम टोटल चेंज इन विलोस्टी बाय टोटल टाइम ठीक है हाँ जी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सलोशन क्या होगी इंस्टेंटेनियस एक्सोशन को आप क्या लिखोगे बेटे एक्सलोशन क्या होता है चेंज इन विलोसटी डी वी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो ना तो मैग्नीट्यूड के अंदर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आपको फिर एरो साइन ऊपर वेक्टर को फॉर्म करना जरूरी नहीं है ठीक है जनरल आप ये लिख सकते हो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी अच्छा अब v की वैल्यू क्या थी अपने पास सभी मैंने बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाई डी टी डेरिटिव ऑफ एक्स विदेक्ट टू टाइम यही था और x क्या चीज है x होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी वेयर एक्स इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस की वेलोसिटी निकाल लें स्पीड निकालें तो x क्या होगा डिस्टेंस होगा और अगर वेलोसिटी निकाल लें तो x क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है तो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा d dt ऑफ d dt ऑफ dx dt यही हुआ ना ठीक है और इसको आप क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हैं d²x dt² मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ठीक है इसको क्या बोलेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ ये ध्यान से समझना डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है मान लो मेरे पास x की वैल्यू थी आ, क्या बोलूँ मैं टू टी है टू टी स्क् एक्स इज इक्वल टू टू टी तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एक बार तो dx एक्स बाई डी टी क्या होगा हाँ जी क्या होगा फोर इंटू टी फोर इंटू टी क्योंकि पावर आगे आ, आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी फोर इंटू टी अब मैं कहता हूं इसका मुझे क्या निकालना है डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेर. इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने डी एक्स बाई डी टी निकाला था उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन तो मैं इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूंगा फोर टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ओनली फोर फोर टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करूंगा तो क्या होगा इसकी पावर वन है पावर वन आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो टी माइनस वन जीरो हो जाएगा टी जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी तो ओनली क्या बनेगा फोर आ जाएगा अपने पास ठीक है तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हो गया कि जो आपने एक्सलेशन सॉरी जो आपने विलोस्टी निकाली थी उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना आपको ठीक है तो ये राइट कर लीजिए फिर आते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर हाँ जी कर दू रेस हाँ जी तो फर्स्ट नूमरिकल आता है आपकी एन का बुक का नूमेरिकल है नूमेरिकल कुछ इस वे के अंदर है इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ ठीक है और ओ पॉइंट से टाइम नीचे टाइम ले रहा हूं मैं ऊपर डिस्टेंस लेते हैं ठीक है जीरो टू सेकेंड फोर सेकेंड सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन एटीन और ट्वेंटी ठीक है ये क्या है सेकेंड है टाइम है इस तरफ टाइम चल रहा है इस तरफ सेकेंड में ठीक है ऊपर है डिस्टेंस डिस्टेंस इस वे के अंदर और डिस्टेंस कितना है मान लो स्टार्टिंग पे जीरो है फिर फोर्टी मीटर फिर एटी वन ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी के गैप पे ठीक है वन सिक्सटी और 200, 240, 280, 320, टू थ्री और ये हो गया फोर हंड्रेड मीटर ठीक है इस वे के अंदर है आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है कि गाड़ी जो मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर रही है ठीक है अब क्वेश्चन कैस के ऊपर आएगा फर्स्ट पार्ट देखो कहता है कि जब वो गाड़ी ओ से चलती है तो एक पॉइंट आता है ये वाला पी पॉइंट आ गया इस पी पॉइंट तक जाती है और वापस वहीं यहीं से पी पॉइंट से वापस हो जाती है वो ठीक है वापस कहाँ पे आ जाती है वो इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे वो वापस आ जाती है इस पॉइंट को क्या नाम दिया क्यू पॉइंट <coughs> ठीक है अब दो केस है जब वो ओ से लेके पी तक गई यहां तक ओ से पी तक गई तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज विलोसिटी बताओ क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहेगा वेन इट गोज फ्रॉम गोज फ्रॉम ओ टू पी देन कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर वन एवरेज स्पीड एंड नंबर टू एवरेज विलोसिटी एवरेज विलोस्टी तो देखो एवरेज स्पीड निकालनी अपने को फर्स्ट तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ठीक है एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बाय टोटल टाइम हाँ जी तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ओ से लेके पी तक गई तो टोटल डिस्टेंस 360 मीटर टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकंड है ना तो एवरेज स्पीड तो कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड तो ये तो आ गई उसकी एवरेज स्पीड अब सेकंड पार्ट में बोला है कि एवरेज वेलोसिटी भी बताओ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उसकी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ठीक है अब उस केस में ओ से पी तक गई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी तो वही हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या है दोनों सेम है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 360 मीटर है ना और टाइम टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकेंड तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड अच्छा अब सेकेंड पार्ट समझो राइट right कर लिया इरेज कर दूं हाँ जी इसी के सेकेंड पार्ट के अंदर और क्या पूछते अपने से कहता है कि वो वापिस पी से वापस अब ओ पे सॉरी क्यू पे आ गई ओ से पी गई पी से वापस क्यों पे आ गई मैं एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है चल रहा है भाई चल रहे ठीक है कई बार माड़ी हुई है मेरे साथ कैमरा ऑन करना ही बोल जाता हूँ फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट जब लेक्चर ओवर हो जाता है तब देखता हूँ ओ यार कैमरा तो स्टार्ट ही नहीं किया है ना तो बड़ी माड़ी होती है उस टाइम तो हाँ जी तो कहते हैं ओ से लेकर पी तक गई पी से वापस क्यू पे आ गई अब इस कंडीशन के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो क्या बोला कि गाड़ी कहां से कहां गई पी पे गई फिर पी से वापस कहां जाती है क्यू पे आ जाती है तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालो तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस ओ से पी तक गई मतलब ओ से पी तक गई प्लस पी से वापस क्यू तक आई पी से वापस क्यू तक आई तो ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कितना लगा हाँ जी पी तक जाने में एटीन सेकेंड एटीन सेकेंड प्लस पी से वापस क्यू आने में कितने सेकेंड टू फोर सिक्स सेकेंड है ना तो कितना हो गया ये थ्री सिक्सटी प्लस ये डिस्टेंस कितना हुआ फोर्टी फोर्टी एट्टी वन ट्वेंटी ठीक है कोई गड़बड़ हो जाए तो समझ आना भी फोर्टी फोर्टी ठीक है बाय में ये कितना हो गया ट्वेंटी फोर तो ये इसको ऐड करोगे तो फोर एट्टी बाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ठीक है हाँ जी चार सौ अस्सी ठीक है फोर ट्वेंटी फोर एट्टी तो सेकेंड केस में अब अपने को क्या निकालना है इसकी एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ओ से लेके क्यू का पाथ शॉर्टेस्ट पाथ होता है वापस वो यहां पे क्यू आ गई ना क्यू पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा ओ से लेके क्यू तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टू फोर्टी मीन ओ टू क्यू ओ क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टाइम कितना लगा उसको टाइम तो सारा ही लगेगा है ना यहाँ से गई यहाँ से फिर वापस आई तो टाइम कितना हुआ 24 फोर सेकेंड तो ओ क्यू कितने टू फोर्टी बाई ट्वेंटी तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है थर्ड एक केस आ जाता है मैं अपनी तरफ से बना देता हूं एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन के अंदर नहीं है अगर वो वापस यहां पर आ जाता ओ पे ही वापस आ जाता और इस कंडीशन में बोलता कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज विलोस्टी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज विलोस्टी ओ से चला पी पे गया पी से वापस ओ पे आ गया तो इस केस में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज विलोस्टी निकालिए तो इस केस में उसकी एवरेज विलोस्टी क्या रहेगी एवरेज विलोस्टी पहले तो एवरेज विलोस्टी थर्ड पॉइंट बना लेना इसको एवरेज विलोस्टी क्या होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ओ से चला ओ पे वही आ गया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो चुके हैं सेम हो गए और जब ये सेम हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो बाई जीरो बाय समथिंग टाइम कितना भी चाहे लगाओ एटीन एटीन थर्टी सिक्स सेकेंड लगे वो से तो फिर भी क्या हो जाएगा ये जीरो आ जाएगा उसकी विलॉसिटी क्या आ जाएगी एवरेज विलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है हाँ जी थर्ड की अब इसके अंदर मुझे ना अगर निकालना हो तो एवरेज स्पीड निकालनी होती तो इस केस में मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता 360 गया थ्री सिक्सटी वापिस आया तो कितना हो गया सेवन ट्वेंटी टाइम कितना लगा एटीन सेकेंड गया और एटीन सेकेंड में वापिस आया तो थर्टी सिक्स तो ये कितना आ गया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड आ जाती है, ठीक है तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है और एक क्वेश्चन और लेता हूँ इससे रिलेटेड ठीक है फिर चलते हैं आगे कर दू रेज हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेकंड न्यूमेरिकल uh, ले लो इसके ऊपर एक अपने को डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ठीक है एक गाड़ी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है और उसकी जो वैल्यू है वो ए टी प्लस फाइव टी स्क्र ए टी प्लस फाइव टी स्क्र अपने को उसका जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है एक्स एक्सेस लॉन्ग उसकी वैल्यू दे दी ए टी प्लस फाइव टी स्केर ठीक है तो इस केस में कहता है कैलकुलेट कीजिए नंबर वन इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू टू सेकेंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू टू सेकेंड इस इंस्टेंटेनियस जब टाइम टू सेकंड था उस पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस विलोसिटी कैलकुलेट करो और अपने को पता है इंस्टेंटेनियस विलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स बाय डी टी वी इज इक्वल टू डी बाय डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है डी बाय डी किसका करना है अपने को एट टी प्लस फाइव का ठीक है तो जब डेरिवेटिव करोगे एट टी का तो डेरिवेटिव क्या आएगा एट टी का तो डेरिवेटिव एट और फाइव टी स्केयर का कितना हो जाएगा टेन टी टू आ गया आएगा मल्टी फाइव के साथ तो कितना आ जाएगा टेन टी इसलिए मैं कहता था कि डिफ्रेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है तभी आप स्पीड और इनके नोमेरिकल्स कर पाओगे ठीक है तो जिनको अब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं आता होगा तो वो बेचारों का तो यहाँ पर काम हो गया ठीक है तो इसलिए पहले जाके डिफ्रेंशिएशन सीखिए फिर यहां पर आइए ठीक है नहीं तो अपने जाके भैंस चलाइए हाँ जी तो अब अपन ने एवरेज वेलोसिटी निकाल दी एट प्लस टेन टी है ना सॉरी एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दी अब उस क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू टू सेकंड ये तो अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है अब यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे निकालनी है जब टाइम कितना है टाइम इज इक्वल टू टू सेकेंड है ठीक तो है तो टू वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो वी इज इक्वल टू तो ये कितनी वैल्यू आ गई एट प्लस ट्वेंटी तो ट्वेंटी एट मीटर पर सेकेंड जब टाइम टू सेकेंड था तो उस कंडीशन के अंदर जाके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी ट्वेंटी एट मीटर पर सेकेंड ठीक है और यही एक पार्ट और बना देते हैं पूछ लेते हैं कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू टू सेकेंड जब टाइम टू सेकेंड था तब एक्सेलरेशन कितनी होगी ठीक है तो एक्सेलेशन निकाल लेते हैं इंस्टेंट इन इस एक्सेलेशन क्या होता है डी स्क्वेयर एक्स जनरल में बोल दो डी या तो डी स्क्स बाई डी टी स्क्स ठीक है डेरीविटी है ना ये भी अपन बात करके आए थे डी वी बाई डी टी और वी की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने निकाल दी ये एट प्लस टेन टी तो आपको क्या करना है एट प्लस टेन टी का आपको क्या करना है डी बाई डी टी निकालना है डी तो बाई डी टी निकालोगे तो क्या आएगा एट का तो डेरिवेटिव जीरो होगा टेन t का कितना हो जाएगा टेन तो टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये इसकी क्या आएगी इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन आए तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप प्रैक्टिस करना उन क्वेश्चन की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो तो थैंक यू अपना ध्यान रखना थैंक यू सो मच